लेकिन मैं खुद अपने जाल में फंसा हुआ हूं, दूसरों को क्या उबारूंगा। वैसा मेरे लाइफ में दादी जी दीदी आपको पता है मेरे लाइफ में कितनी प्रॉब्लम। आप तो बोलते तो सेंटर में रहते हो, आप तो बोलते तो मधुबन में रहते हो, आप तो रमेश भाई उड़ते हैं, तो आपको क्या पता है मेरे जीवन में कितनी प्रॉब्लम है। जो जिस स्थान पर मैं है उसको उतना ही प्रॉब्लम समस्याएं हैं। गुलाब का फूल किसमें खिलता है, कमल का फूल किसमें खिलता है, वो तेल की बूंद को तब महसूस होता है जब सागर के इतने असंख्य पानी की बूंद के बीच में डाल दिया जाए और सारे पानी की बूंद भी मिले उसको अपने में मिला ना सके, तब वो तेल की बूंद को महसूस होता है कि संपूर्ण अलग ही है, कितनी भी कोशिश कर ले उसको अपने में नहीं मिला सकते, भले वो पानी के अंदर है। तो इस संसार में दुख अशांति है, कितने प्रकार की झंझटें हैं, मुसीबतें हैं, समस्याएं हैं, लेकिन मैं मुस्कुराता हूं, मैं विघ्न जीत आत्मा हूं, हूं या नहीं? नहीं, नहीं मेरे कितने विघ्न हैं आपको क्या पता, नहीं हो रहा मेरे से नहीं हो सकता, या मैं कर सकता हूं? जितना लंबा समय उतना ज्यादा शक्तियां प्राप्त होंगी। और एक घंटा करना क्या, सिर्फ सात फरिश्तों को छोड़ना है। समझ लो कोई आत्मा बीमार पड़ी है हॉस्पिटल में, आप चाहते हो कि वो ठीक हो जाए, वो तो उसकी कर्म है, कर्म के समय हिसाब किताब, लेकिन आप जो फरिश्ता छोड़ोगे, माता जी ने सुना है ना कि इतनी दर्द हो रही थी मैं बैठ ही नहीं पा रही थी, यहां चार घंटा पांच घंटा बैठ गई, घर में कैसे पहुंच गई, कोई गाड़ी नहीं मिली, दर्द महसूस ही नहीं होगा और उसको भी नहीं होगा जब आप फरिश्ता छोड़ दोगे कि मेरा फरिश्ता स्वरूप वहां। उसके लिए आपको योग करना है। समझ लो कोई बहुत बड़ी बीमारी में है या बहुत बड़ी मुसीबत में है, आपको कहता है योग करने के लिए, आप चाहते हो तो आपको 21 दिन का योग करना है, एक जगह बोलो एक संकल्प एक समय। तो सात फरिश्तों को चढ़ना है, पहला फरिश्ता सूक्ष्म उदर में, दूसरा फरिश्ता ग्लोब के ऊपर, तीसरा फरिश्ता तपोवन में, चौथा फरिश्ता मेरे साथ, पांचवा फरिश्ता मधुबन में, छठा फरिश्ता परिवार, सातवां फरिश्ता पूरे ब्रह्मांड में, और आठवां फरिश्ता बना के छोड़ देना जो बीमार पड़ा है, या जो आपकी दुश्मन है, जो पड़ोसी प्रॉब्लम कर रही है, या आपकी किसी भी प्रकार की किसी से संबंध में टकराव हो रहा है, आप ऑफिस में जाते हो आपकी किसी से दुश्मनी है, आपकी बिजनेस ठीक से चल नहीं रहा है, तो आप योग करके अपने फरिश्ता स्वरूप छोड़ो, आप धनवान बन जाओगे। जिस तरीके से आप जो चाहिए आपको प्राप्त होगी, ये राजयोग ऐसे सिद्धि स्वरूप योग है, आपके पास कोई चीज की कमी नहीं रहेगी, लेकिन आपको करना है। नहीं नहीं बाबा कर दो ना, आप थोड़ा बाबा कर दो, बाबा तो कर ही रहा है, तब से कर रहा है, 5,000 साल से हमको बनाया संपन्न और 2,500 साल से आके खुद कर रहा है, लेकिन अभी बाबा का अरमान क्या है कि मेरे बच्चे मेरे समान। नहीं नहीं बाबा तुम कर रहे, एक ऐसी हमारी बहन बोलती है कि भाई साहब मैं कैसे योग करता हूँ, आप सुनो। मैंने कहा ठीक है बताइए। बोला मैं बाबा को बुलाता हूँ, बाबा तो परंधाम से आओ हॉस्पिटल में, हाँ तुम्हारे बीमार पड़े हैं उसको जाके सता देते हो। बिल्कुल सही, ये भी अच्छा किया, भगवान को यूज किया, कभी कभी मेरे से नहीं होगा पापा आप काम करो, ये भी ठीक है, लेकिन पापा क्या चाहते हैं, बाबा क्या चाहते हैं, भगवान क्या चाहते हैं कि मेरे बच्चे कि 2,500 साल पूरे सृष्टि ब्रह्मांड को चलाए। हाँ या ना,